2013 का इवेंट है, मिलेनियम में एक इवेंट था और इस तरीके से कई इवेंट्स, करीब 40 इवेंट्स 1000 साल में आए हैं, एंड दैट मींस नियरली 50-60 इयर्स का एक रिकरेंस इंटरवल है. सो यहां पर कोई भी डैम अभी 100 ईयर का हुआ ही नहीं है जिसमें इन टाइम स्केल्स को, इन इवेंट्स को, इन डिजास्टर्स को टेस्ट किया जा सके. ये ध्यान रखना होगा कि लार्जर डैम्स शायद कभी कभी कुशन का काम कर देते हैं, बफर भी बन जाते हैं. 2013 में टेहरी प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल, उसने बहुत सारा एब्जॉर्ब कर लिया उस तरीके की इवेंट को. स्मॉलर डैम्स कुड नॉट सस्टेन. अमेरिकन जो हम मॉडल्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका में इस तरीके के जो बेडरॉक या रिवर सिस्टम्स हैं ऊपर, उसमें डैम्स को खत्म करा जा रहा है सारा. वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उनको ये समझ में आ गया है कि जो एक फ्लोइंग वाटर है दैट इज ऑल्सो अ लाइव इकोलॉजी विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल डाउन स्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम. जब ऊपर से सेडिमेंट नीचे आ रहा है तो कौन सा फ्रैक्शन नीचे आएगा, दैट डैम विल डिसाइड. पूरा गंगा प्लेन, पूरा ब्रह्मपुत्र प्लेन, पूरा जो सतलज का प्लेन है, सरस्वती का प्लेन है, ये रिवर सिस्टम्स और माउंटेन के इंटरैक्शन से ही बना है. और अगर इसके बीच में आपने इस तरीके के डैम्स क्रिएट किए, दैट मीन्स यू आर प्लेइंग विद द नेचुरल वाटर फ्लोज, जो कि हमें अभी पता नहीं लगेगा बिकॉज दीज थिंग्स एक्ट बियॉन्ड ह्यूमन टाइम स्केल्स. कोई भी लैंडस्केप स्टैटिक नहीं है, इट्स वेरी एक्टिव एंड इट्स वेरी फ्रेजाइल एंड इट्स वेरी डायनामिक. उसको समझ करके अकॉर्डिंगली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है. कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्लेन्स और कोस्टल एरियाज के लिए वही डायरेक्टली वहाँ एप्लीकेबल नहीं है. ऑल वेदर रोड कंडीशन, जो ऑल वेदर रोड्स हैं उसमें खाली वेदर कंडीशन को ध्यान में न रखें, उसको उस लैंडस्केप की फ्रेजिलिटी को भी जरूर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट की तरह रखें और पीपल को एक इम्पॉर्टेंट प्लेस दें वहाँ पर. क्योंकि जो वहाँ पर पलायन हो रहा हुआ है, जो माइग्रेशन हुआ है, several villages are now ghost villages declare ho gaye, wo shayad is infrastructure ki wajah se hue honge kyunki these will all villages were green when there was no this kind of infrastructure. So wo villages to tab the wahan par jab wo infrastructure aapne banaya tha, uske baad chale aaye sab khali ho gaye. So humko aisa lagta hai ki jo infrastructure keh rahe hain wo shayad wo mountain centric nahi hai, wo cultural centric nahi hai, wo culture ko preserve nahi kar raha hai, rather they are trying to resist this whole thing.